एपिसोड की शुरुआत नाज़ली और फतोश से होती है और फतोश बहुत दुखी होती है क्योंकि नाज़ली वापस जा रही होती है। तभी वहाँ आसुमन आ जाती है और वो बताती है कि मैं फेरित के यहाँ गई थी और मैंने उसे सब सच बता दिया। नाज़ली कहती है कि हम वापस जा रहे हैं तो तुम सब पैक कर लो। आसुमन ये सुनकर शॉक हो जाती है। अगले सीन में फेरित और देनिस को बात करते हुए दिखाया जाता है। देनिस पूछता है कि तुमने रेस्टोरेंट क्यों बंद किया। फेरित सिंपल वे में जवाब देता है, ये सब तो लाइफ का पार्ट है, तुम कभी सक्सेस होते हो तो कभी नहीं। यहाँ नाज़ली और आसुमन घर जाने के लिए टैक्सी में जाते रहते हैं और फतोश बहुत उदास होती है। फतोश उन दोनों को गले लगा लेती है और दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देनिस फेरित से उसके रेस्टोरेंट के सारे शेयर्स बेचने के लिए कहता है। तभी देनिस को फतोश का कॉल आता है और वो बताती है कि नाज़ली और आसुमन घर जा रहे हैं। देनिस फेरित को ये बात बताता है और वहाँ से चला जाता है। तभी देनिस जल्दी से बस स्टैंड पहुँचता है और नाज़ली को ढूंढता रहता है। नाज़ली को मिलने के बाद वो बात करता है कि तुम मत जाओ, पर नाज़ली कहती है मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं बहुत थक गई हूँ ये सब से, मैं ये सब और हैंडल नहीं कर सकती। देनिस के रिक्वेस्ट करने पर भी नाज़ली बस में चले जाती है और देनिस उसे देखता रहता है। यहाँ बस में नाज़ली और आसुमन जाते रहते हैं। तभी मनामी का कॉल आता है और वो कहती है कि फेरित ने अपने डिसीजन चेंज कर लिए हैं और वो रेस्टोरेंट को क्लोज नहीं कर रहा है। नाज़ली खुश तो होती है पर वो कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं फेरित के साथ काम नहीं कर सकती। मनामी उसे समझाती है कि पहले तुम वापस तो आ जाओ, उसके बाद हम फेस टू फेस मिलकर बात करेंगे। आसुमन भी नाज़ली को वापस चलने के लिए कहती है और नाज़ली मान जाती है। यहाँ फतोश घर पर अकेले होती है, वो नाज़ली को बहुत मिस कर रही होती है। तभी वहाँ नाज़ली और आसुमन आ जाते हैं, जिसे देख फतोश बहुत ही खुश हो जाती है और तीनों गले मिल जाते हैं। उसके बाद नाज़ली रेस्टोरेंट में मनामी से मिलने जाती है। वो दोनों बात करते रहते हैं। नाज़ली मनामी से कहती है कि तुम कोई और पार्टनर ढूंढ लो, मेरी वजह से तुम्हारे ड्रीम पूरा होने में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। मनामी प्यार से कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर और कहीं नहीं मिलेगा और तुम अब कहीं नहीं जा रही हो। यहाँ फेरित बुलुत के साथ बात करता रहता है। बुलुत कहता है, मुझे नाज़ली के रेस्टोरेंट में जाना है। तभी फेरित कहता है, हम ओपनिंग में तो गए थे। बुलुत हंसते हुए कहता है, पर ओपनिंग में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था और मुझे अभी बहुत भूख भी लग रही है। फेरित और बुलुत कार में बैठ जाते हैं और नाज़ली के रेस्टोरेंट में जाते हैं। नाज़ली फेरित को रेस्टोरेंट बंद ना करने के लिए थैंक यू कहती है। तभी फेरित कहता है, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, बुलुत को भूख लगी थी तभी हम यहाँ आए हैं। नाज़ली बुलुत और फेरित के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। तभी बुलुत नाज़ली को साथ में बैठने के लिए कहता है। नाज़ली फेरित के साथ बैठ जाती है। बुलुत उन दोनों के साथ फोटो क्लिक करने का गेम खेलते रहता है और फेरित और नाज़ली को और पास आने के लिए कहता है। खाना खाने के बाद फेरित और बुलुत जाते रहते हैं और तभी वहाँ देनिस आ जाता है। बुलुत देनिस को हाय करता है और उसके बाद बुलुत और फेरित वहाँ से चले जाते हैं। देनिस नाज़ली को कॉन्ग्रेचुलेट करता है वापस रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में फतोश और इंगीन को दिखाया जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में डिनर करते रहते हैं। इंगीन फतोश को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और फतोश बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों बहुत ही खुशी से डिनर करते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एपिसोड का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी या।